दोस्तों नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल, केम छो। दोस्तों कल लेट नाइट हमने एक ऐसा ही सांप रेस्क्यू करके लाया है, कोई कारणवश हमने उनका वीडियो नहीं बना पाया, तो आज हम मौका मिला है और हम वो वीडियो दिखलाना चाहते हैं आपको कि वो सांप किस तरह का है। एक ऐसा ही सांप जिसके काटने से लोग बचते भी नहीं हैं, क्योंकि वो सांप का नाम है कॉमन क्रैट। एक ऐसा सांप जिसके काटने से लोग बचते नहीं हैं, इसके काटते ही क्या होता है, लोग कोमा में आ जाते हैं। 5 से 7 घंटे के अंदर शरीर में दर्द उठना, बाथरूम और लैट्रिन के द्वार से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो वही वो सांप है जिसको हिंदी में कॉमन क्रैत, खास करके इंग्लिश में कॉमन क्रैत, हिंदी में क्रैत, बंगला में शंख चीती, बंगला में पताड़ चीती, और एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम बंगरस के नाम से भी हम जानते हैं इसे। तो हम चाहेंगे इसे दिखलाना, बहुत ही सुंदर है ये। हमारे लिए तो सुंदर होगा ही, क्योंकि हम स्नैक रेस्क्यू करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो सुंदर होगा ही। तो इसे कल हमने लेट नाइट रेस्क्यू किया था, वही वो सांप है जिसे हम कलाज के नाम से जानते हैं। सांपों का फ्री हैंडलिंग ना करें, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्या हो रहा, हम लोग इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। किसी को अगर इच्छा हो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारा नंबर गूगल में है। मुबारक स्नैक सेवर बोलते ही गूगल आपको हमारा मोबाइल नंबर दे देता है, और उस मोबाइल के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। बातचीत के दरमियान अगर आपको ज़रूरत है तो आपके घर तक ये कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस में पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए फ्री हैंडलिंग ना करें, फ्री हैंडलिंग से सबसे ज़्यादा मरने का चांस रहता है। अगर हम फ्री हैंडलिंग करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। आप अगर सांप को फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी घटना होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी जिंदा रहिए, लेकिन ज़िंदगी को इस तरह मत बर्बाद कर दीजिए कि जा कर के आपको पता है कि चूल्हा में आग है तो फिर उसके लिए चिमटा का ज़रूरत है। आपको पता है कि जहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ प्लग होता है, वहाँ उंगली डालने से करंट मार देगा। और आपको पता होना चाहिए कि सांप के मुंह के पास हम अपना उंगली नहीं ले जाएं, और नहीं तो मरना ही होगा। सांप काट ले हॉस्पिटल, कहाँ जाना है, डॉक्टरी सलाह, मेडिसिन, ताकि इंसान को बचाया जा सकता है। अदरवाइज ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में आज भी इंडिया का 30-40% लोग मर जाते हैं। कितना परसेंट मर जाते हैं, 30-40% लोग मर जाते हैं ओझा गुनी झाड़ फूंक के चक्कर में। तो ये सर हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आपने नहीं कहा कि मुबारक जी ऐसे पकड़िए, अगर कोई भी घटना होता है तो ये हमारा जिम्मेदार है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारा अपना एक तजुर्बा है, तजुर्बा के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। यंग जनरेशन से अपील है, यूथ से खास करके, कि हमारी नकल ना करें, हमारी मिमिक्री ना करें, और नहीं तो ये जानलेवा होगा। सांप काट ले ये मत देखिए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी जिला से हैं, वहाँ पहले से ही मल्टी एंटी वेनम क्या है, AVS आपके हॉस्पिटल में रखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप बच सकते हैं। आप कुछ ही दिन पहले का एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, हमारे माननीय पंजाब के विक्रम सिंह मलूट साहब नहीं रहे, उनको सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे स्नेक सेवर थे, एक इतना ही बढ़िया स्नेक सेवर के रूप में जाने जाते थे। शायद हमें नहीं लगता है कि उनके सामने हम लोग 00 भी होंगे, इतना बढ़िया। लेकिन पता नहीं कैसे मिस कर गए, ये भी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। अरे मुबारक जी को सांप काटा है तो हम हॉस्पिटल का सहारा लेंगे, क्या चीज़ का लेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिसिन है, डॉक्टर है ना, ओझा गुनी का घर में हम जाके सो जाएं, यही हमारी मानसिकता है। तमाम वर्ल्ड के लोगों से हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि सांप काट ले हॉस्पिटल, बचना है तो सरकारी अस्पताल, और मरना है तो ओझा गुनी का घर, एज यू लाइक। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।